नमस्कार। तो आज मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है बहुत फेमस जिम्स ग्रेटर नोएडा। जी हाँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, खासकर जो यूपी के कैंडिडेट्स होते हैं या ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में 15% कोटा के अंदर, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो आज मैं विजिट करने हूँ स्पेशली बिफोर द 2022 का एडमिशन सीजन स्टार्ट होने से पहले। तो क्या क्या मुझे लगा ब्रॉडली बताऊँ मैं, तो एक ग्रेटर नोएडा में फेमस जगह है परी चौक। तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गर्मी बहुत है आज, तो मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं गॉगल्स। तो नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा में परी चौक से अबाउट 8-9 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कोई टोल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन बीच में 4-5 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल खाली था। और उसके बाद अचानक से अगर आप देखें चारों तरफ तो खूब गाड़ियां खड़ी हैं। और आप पीछे देखिए, मैं घूम रहा हूँ एक सेकंड के लिए, तो लोग काफ़ी आए हुए हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी पार्किंग है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर भी पार्किंग है। वहीं मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी, 10 रुपये लिए उन्होंने कार पार्किंग के, 5 रुपये बाइक पार्किंग के। दिस कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज सेंट्रली एयर कंडीशन, ये सबसे बड़ी बात है। तो पूरा सेंट्रल एयर कंडीशन कॉलेज और हॉस्पिटल है। देखिए स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, और हिंदुस्तान में बहुत गर्मी होती है तो काफ़ी बच्चों की एफिशिएंसी पढ़ने की बढ़ जाती है अगर उनका जो कॉलेज होता है वो एसी होता है। तो ये एक शायद एक खूबी है इस नए बने हुए कॉलेज और हॉस्पिटल के, भी इसको बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो फर्स्ट बैच अभी पास होना है यहाँ से, ये मैं मानता हूँ। और जहाँ तक पेशेंट फ्लो की बात करो, इस समय दोपहर के 11:30 बजे आसपास हुए हैं, तो बिल्कुल पीक टाइम है ओपीडी का। तो मैंने अंदर एक पूरा राउंड लगाया, देखिए वीडियो बनाना आसान नहीं होता, अंदर जो बाहर आके बना रहा हूँ। तो तकरीबन सारे ब्रांचेस में भीड़ थी, मतलब आई डेंटल सारे ओपीडी चल भी रहे थे और 30-40 पेशेंट थे लाइन में, विच मीन्स ओपीडी सारी फुल है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जहाँ तक एक्सपोजर की बात करते हैं वो अच्छी तरह मिलेगा। दूसरा मैंने कहा कि चूँकि इसकी लोकेशन अच्छी है कॉलेज की, ये नोएडा से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, ग्रेटर नोएडा से 8 किलोमीटर, बट ग्रेटर नोएडा इज़ ए गुड प्लेस टू लिव एंड स्टे। तो जो भी टॉप फैकल्टीज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो रहना चाहते हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो शहर में जाके खुद नहीं रहना चाहते। अगर वो बहुत छोटे शहर में आपने बना लिया कॉलेज, जैसे यूपी में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं हो गया, तो बदायूं शहर में तो कोई रहना नहीं चाहता ना, तो वहाँ पर फिर प्रोफेसर मिलते नहीं है। पर ये चूँकि ग्रेटर नोएडा से 10 मिनट था गाड़ी पर, तो इन्हें फैकल्टी हायर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेशेंट भी हैं, सेंट्री एयर कंडीशन है, सब कुछ है। तो आई थिंक एज ऑफ द कॉलेज, क्योंकि कॉलेज को भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, पर सरकारी कॉलेज है, बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश सरकारी कॉलेज है। आई डोंट थिंक कि इसका कुछ दिक्कत कभी होने वाली है रिन्यूअल में या रिकग्निशन में, जो हम हमेशा कहते हैं कि परमिटेड कॉलेज है, रिकग्नाइज कॉलेज है, दिस कॉलेज इज गोइंग टू स्टे। अदर देन ये कि यहाँ आपको सीनियर्स नहीं मिलेंगे बहुत ज़्यादा, जो मैं हमेशा समझाता हूँ ना बच्चों को कि 40 साल पुराने कॉलेज में ये फ़ायदा होता है कि कई पुराने बड़े सीनियर डॉक्टर हैं जो आपके कॉलेज के नाम के हैं, और वो एलुमनाई का हमेशा फ़ायदा मिलता है जब आप फ्रेश पास होते हो। तो बस उस फायदे के अलावा आई थिंक दिस अ ग्रेट ऑप्शन, बहुत अच्छी लोकेशन है जैसे मैंने कहा। ऑफकोर्स ग्रेटर नोएडा से शहर के बीचों बीच नहीं है, 8 किलोमीटर बाहर है। तो फैकल्टी हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, अगर आप कॉलेज से बोर हो जाएं तो अपने पास अपना व्हीकल है आपका, ये ऑटोज खड़े इतने सारे, सो 15 मिनट के अंदर आप जैसे बोलते मेन सिटी में पहुँच जाओगे जो ग्रेटर नोएडा, और 25 मिनट लगा के आप नोएडा पहुँच जाओगे। और बाकी सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ एज ऑफ द कॉलेज के अलावा देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस कॉलेज, और सेंट्रल कंडीशन है, ये एडिशनल एडवांटेज है। सो बेस्ट ऑफ लक जो भी लोग 2022 या फ्यूचर में इस कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, खासकर ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए भी आप जरूर इस कॉलेज को अपनी ऑप्शन में भर सकते हैं, ऊपर की तरफ भर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड लोकेशन। वही मैंने कहा अदर देन दी ड्यूरेशन ऑफ द कॉलेज के भी 3 या 4 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था इसका पहला बैच, उसके अलावा एवरीथिंग इज ग्रेट अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज। सो बेस्ट विशेज, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।